बसपा से आप इस बार जो है नकुल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी मिसिज पहले पूर्व जिला पंचायत भी रह चुके हैं, तो इस बार क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है वहाँ पर? बहन जी के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता के जबरदस्त सहयोग से निश्चित रूप से नकुल विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। कितनी सीटें आपको जीतने का अनुमान है सहारनपुर में? सहारनपुर में सब सीट जीत रहे हैं। कहाँ के लिए? प्रदेश की क्या स्थिति रही है? देखो, मेरा दिमाग फिलहाल यहाँ है, प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार है, इतना पता। आप यहाँ अपना किस से मुकाबला मान रहे हैं, किस कैंडिडेट से आपका मुकाबला है यहाँ? बहुजन समाज पार्टी का नकुल विधानसभा में किसी कैंडिडेट से कोई मुकाबला नहीं है, सब अपने अपने नंबर दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे। हमें सर्व समाज का वोट मिला और बहुत निर्णायक मतों से हम चुनाव जीते। मुद्दे क्या हैं आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? नकुल विधानसभा में मुद्दे हैं, वहाँ पर किराए में पिछले 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, राजनीति चलती रही। अब जो पिछला विधायक था उसने कुछ किया, हम तो वहाँ पे ना वहाँ पे कोई बढ़िया शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन सेंटर नहीं बन पाया वहाँ पे, वहाँ पे चिलकाने में तहसील की ज़रूरत है, इतनी सारी वहाँ पे पुल की आवश्यकता है, सारा क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा दरकार है। दूसरे सहारनपुर के क्षेत्रों के मुकाबले वहाँ विकास की ज़्यादा दरकार है और हम उसे पूरा का पूरा। मतलब आपको लगता है कि वहाँ से अभी विकास की काफ़ी कमी है? बहुत ज़्यादा विकास की कमी है। तो जीतने के बाद क्या आप इस विकास को वहाँ कराएंगे? पहली प्राथमिकता जीतने के बाद क्या होगी आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ पे कोई बढ़िया शिक्षण संस्थान हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो, पुलों का निर्माण हो और वहाँ पर तहसील की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो काम बहुत जरूरी है। धन्यवाद।